हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कपड़े से लूप और बटन कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। जैसा कि मैंने एक ग्लास लिया है और ये बटन है और ये तैयार में बटन है, रेडीमेड बटन। आप चाहें तो इसी पे क्लॉथ लगा के जैसा आपका ड्रेस का कलर है उसी कलर को इस तरह से आप कर सकते हैं। चाहे तो आप, जैसे हमने ये 2 इंच चौड़ा कपड़ा कट किया है, अब ये लाइट है इसलिए हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद ये कॉटन लिया है हमने, तो ये कॉटन को इस तरह से करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ये बटन भी डाल सकते हैं और चाहें ये ग्लास भी डाल सकते हैं, वो आपके चॉइस है। जैसे हमने इसे कांच को डाल दिया इसके अंदर इस तरह से, और जो हमने ये लाइट क्लॉथ है इसलिए हमने ये डबल कर लिया है, तो इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसको इस तरह से पोटली करेंगे इस तरह से, और ये हमने धागा बांध लिया, सुई में डाल दिया। अब इसको इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद ऐसा 2-3 टाइम्स इस तरह से टाइट कर देंगे। जैसे हमने टाइट कर दिया, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको कट करेंगे। कट करने के बाद अब इसकी फिनिशिंग देंगे। इस तरह से इसको टाइट करने के बाद बटन हमारा इस तरह से आएगा, और इसी तरह हम दूसरा बटन भी बनाएंगे। जैसे कि बटन बना लिया है, बनने के बाद इस तरह से आएगा। आप चाहें तो और दूसरा क्लॉथ का भी बना सकते हैं, प्रिंटेड प्लेन जैसा भी। इसको आप नेक डिजाइन में यूज कर सकते हैं, ड्रेस में और ब्लाउज में भी, और स्लिम में भी तैयार कर सकते हैं इसको। जैसे हमने ये बटन्स तैयार कर लिए, अब आपको लूप बनाने का तरीका बताते हैं। जैसे कि हमारा ड्रेस का कपड़ा है, अब इसको हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है स्ट्रेट में। अब इसमें से हम 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। जैसे हमने ये 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लिया है, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अभी स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने इसमें सिलाई डाल दिया और ये निडल लिया, इसमें हमने 4 फोल्डिंग का थ्रेड डाल दिया। अब इसको इस तरह से डालेंगे। ये डबल फोल्ड है, उसके बीच में से निडल को निकालेंगे इस तरह से, और फिर इसको उल्टा करके
इसके अंदर इस तरह से लेके जाएंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको इस तरह से धीरे से इस तरह से इसको पलट देंगे। इसको आराम से खींचना है, तेज खींचेंगे तो धागा टूट जाएगा। जैसे हमने ये डोरी तैयार कर ली है लूप की, तो जैसे हमको इस तरह से लूप तैयार करने हैं, तो उसी हिसाब से हम इतनी चौड़ लंबी पट्टी काटेंगे 2 इंच। जैसे कि हमको अगर 1 इंच का करना है, अगर हमको बड़ा करना है तो 3 इंच का भी हम लूप, ये पट्टी जो हमने बनाई है डोरी, 3 इंच का भी कट कर सकते हैं। जैसे हमने ये 2.5 इंच का कट किया है, और सेम हम इसी तरह ये जितनी भी डोरी बनाई है हमने लंबी, उसमें से सारे पीस इसी तरह कट करेंगे। जैसे कि हमने ये पट्टी कट कर ली है लूप की, और जैसे कि हमको ये नेक है हमारा, इसमें हमको लगाना है, तो हमने ये 2 इंच चौड़ा क्लॉथ लिया है और इसको हम इस तरह से डबल कर लिया है। आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं। जैसे हमने गले के हिसाब से लिया है, आपका जितना बड़ा गला है उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसे हमने ये क्लॉथ ले लिया, डबल कर दिया, इसको अभी इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे। जैसे कि डबल कर लिया और इसको हमने इस तरह से रख लिया, इस तरह से। लूप बनाए हमने, उसको इस तरह से ही रखेंगे, और जितने आपको पास में रखना है उतना पास में रख सकते हैं, जितना आपको गैप देना है उतना गैप दे सकते हैं। जैसे कि लूप पट्टी तैयार कर लिया, अभी जैसे ये नेक है इसमें लगाना है, तो इसको नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पे हम स्टिचिंग डालेंगे, जितना आपको अगर छोटा चाहिए तो आप इस तरह से आगे की तरफ ले सकते हैं, अगर सेम चाहिए तो इस तरह से ले सकते हैं। जैसे हमने ये लूप लगा दिए हैं, लगाने के बाद जो बटन है, अब इसको इस तरह से पलट देंगे, पलटने के बाद अंदर की साइड। बटन लगने के बाद इस तरह से आएगा। अभी जैसे हमने ये बटन तैयार कर दिया एक लगा के, अभी जो बाकी के ये लूप हैं, तो हम यहाँ से ऐसे इस तरह से पॉइंट दे देंगे,
जैसे करेक्ट आ जाएगा। पॉइंट देने के बाद अभी बटन लगाएंगे। तैयार होने के बाद इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो सभी बटन लगा सकते हैं, चाहें तो इस तरह से ओपन रख सकते हैं।